हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा हजार्ड। तो हम बात कर रहे हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर की, पाइपलाइन आर्किटेक्चर की, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस है जिसमें वो एग्जीक्यूट होता है टोटल, है ना। तो वो इंस्ट्रक्शन के क्या क्या फेजेस होते हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, एग्जीक्यूट है, ऑपरेंड फेच भी है, ऑपरेंड फेच। तो ये साइकिल डिपेंड करती है कि आपके 5 फेज की साइकिल है या फिर 6 फेज की, डिपेंड करती है कि आपके पास में कितने फेजेस है, ठीक है, मेमोरी एक्सेस या राइट बैक। तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास में 5 फेजेस है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो हम डेटा हजार्ड को इससे रिलेट कैसे कर रहे हैं, तो डेटा हजार्ड क्या होगा बेसिकली, कि अगर हमारे पास में, यहां पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, हजार्ड कॉज ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी। अब ये डेटा डिपेंडेंसी क्या है और कैसे ये हजार्ड को, डेटा हजार्ड को क्रिएट करता है वो देखते हैं। तो पाइपलाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 कॉमा R2 कॉमा R3, और दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास में सब R4 कॉमा R1 कॉमा R5, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको अगर मैंने I1 बोला, इसको क्या बोलूंगी मैं, I2। तो जब मेरा I1 चल रहा है तो I1 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला इंस्ट्रक्शन है, पहले इंस्ट्रक्शन ने अपना इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, उसने उसको डिकोड किया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसने ऑपरेटर्स अपने फैच ऑपरेंड्स अपने फैच करे, उसने R2 R3 को फैच किया और फिर उसके एग्जीक्यूशन हुआ, है ना। मतलब यहाँ पर एड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, R1 में। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, मैं I2 इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा, I2 यहाँ आ गया, है ना, I2 डिकोड हुआ और I2 फैच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है कि जो रिजल्ट है ना, ऐड ऑपरेशन का, वो मेमोरी में कहाँ जा रहा है, इस साइकिल पे जा रहा है। यहाँ पर क्या चाहिए, I2 को वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें, इस फेज में I2 को वैल्यू मिलेगी किसकी, R1 की। R1 की वैल्यू चाहिए ना, जो कि कहाँ राइट हो रही है, I1 में राइट हो रही है, और कब राइट हो रही है, इस फेज में राइट हो रही है। तो I2 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कि कब तक का वेट करना पड़ेगा, जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट ना हो। तो ये इस फेस में होगा, अगले ही उसमें इसको वैल्यू मिलेगी और फिर हमारी, तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि हमारे पास में दो साइकिल का क्या आ गया है, स्टॉल। और जब हमारे पास में स्टॉल आता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हजार्ड। और इस बार हजार्ड किस वजह से हुआ है, इस बार हजार्ड हुआ है हमारे डेटा की वजह से, डेटा डिपेंडेंसी की वजह से। तो जब हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें डेटा डिपेंडेंट हो, एक इंस्ट्रक्शन का दूसरे इंस्ट्रक्शन पर फॉर एग्जीक्यूशन, तो हमको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को वेट करवाना पड़ता है जहां पे भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है। कई बार डिकोड में है तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, और उसके इसमें जो हमारी स्टॉल्स होती है वो जनरेट हो जाती है, और स्टॉल मतलब नो ऑपरेशन। तो इस केस में हमारी जो पाइपलाइन है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। अब ये डिपेंडेंसीज किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज से हमको देखना है वो देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रीड आफ्टर राइट, है ना। रीड आफ्टर राइट का एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो रीड आफ्टर राइट मतलब कि लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे, है ना। तो लिखेगा क्या, कौन लिखेगा आपका इंस्ट्रक्शन, पहले वाला और पढ़ेगा कौन, बाद वाला। तो ये जो डिपेंडेंसी दिख रही है वो कैसी डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी है रीड आफ्टर राइट। मतलब हम रीड कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना, R2 और R3 की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को रीड कर रहे हैं, उसमें राइट कर रहे हैं, है ना। तो
तो हमने इन दोनों को रीड किया, इन दोनों को रीड किसके बाद में किया, आफ्टर राइट। तो ये वाली जो डिपेंडेंसी हो गई वो कौन सी डिपेंडेंसी हो गई, रॉ डिपेंडेंसी, जहां पर हमारे दो इंस्ट्रक्शन I1 और I2 में क्या है, I2 इज रीडिंग व्हाट I1 इज राइटिंग। नेक्स्ट आप बात करते हैं वर डिपेंडेंसी, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर रीड, इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमने लिखा R1, R2, R3, अब हमें क्या करना है कि ये रीड कर रहा है ना, और हम यहां पे क्या कर रहे हैं इसे राइट, राइट, तो ऐसी डिपेंडेंसीज जहां पर क्या हो रहा है, पहला वाला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, सॉरी राइट आफ्टर रीड, तो जब हमारे पास में रीड हो जाएगा तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमारा रीड कर रहा है और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, हमारा राइट कर रहा है। ऐसी डिपेंडेंसी को हम कौन सी डिपेंडेंसी बोलते हैं, वर डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है आपकी रॉ डिपेंडेंसी, है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है, रीड आफ्टर रीड, है ना, तो पहले वाले इंस्ट्रक्शन ने रीड किया और दूसरे वाले इंस्ट्रक्शन में उसे रीड किया, है ना। और लास्ट है आपकी वाव डिपेंडेंसी, तो वाव डिपेंडेंसी कैसे होगी आपकी, राइट आफ्टर राइट, अगर मैंने लिखा एड ठीक है, तो ये चार तरीके की हमारी डिपेंडेंसी हो गई, वॉ सॉरी रो वॉर रार और वाव, है ना। ये चारों जो डिपेंडेंसीज हैं वो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि इनके वजह से हजार्ड हो सकते हैं, तो क्या ये सभी प्रोबेबल कैंडिडेट्स है हजार्ड होने के लिए, तो वो हम देखते हैं। तो रॉ में तो हमने देखा कि हाँ उसकी वजह से हमारा हजार्ड हो सकता है ना। बात करते हैं वॉर की, है ना, वॉर में हजार्ड हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, राइट आफ्टर रीड, तो ये दोनों रीड कर रहे हैं और उसी को हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पहले रीड कर रहा है तो यहाँ पर राइट होने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा प्रोसेसर आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कि जरूरी नहीं है कि I1 I2 से पहले एग्जीक्यूट हो, अगर I1 से पहले I2 एग्जीक्यूट हो जाता है ना, इन ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर में हम बोल रहे हैं I1 के बाद I2 होगा, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर में I1 के बाद में I2 और I2 के बाद में I1 दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अगर इस केस में क्या हो कि हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो तो क्या हो जाएगा, हमारी वॉर डिपेंडेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी वॉर डिपेंडेंसी कन्वर्ट हो जाएगी रो में, और उस केस में क्या हो सकता है, हजार्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड आफ्टर रीड, क्योंकि हम दोनों जगह रीड कर रहे हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हजार्ड होने का कोई चांस नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारा राइट आफ्टर राइट, तो हमने पहले इसको मॉडिफाई किया और बाद में दूसरी वैल्यू ने उसे ही मॉडिफाई कर दिया, तो हमारे पास में जो डिपेंडेंसीज होने का और सॉरी हजार्ड होने का चांस है वो कहाँ कहाँ पे, हमारे वो हमारे चांस है हमारे रॉ में और वॉ, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे आगे हमारे पास में वॉ डिपेंडेंसीज या फिर वार आल्सो इन सम केसेस और रॉ डिपेंडेंसीज हजार्ड क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, तो जस्ट चेक कि हमारे पास में कैसे डेटा डिपेंडेंसी वर्क करती है। हमारे पास में I1, I2, I3 और I4 चार इंस्ट्रक्शन है और हम देख रहे हैं क्या यह हमारे पास में कौन कौन सी डेटा डिपेंडेंसी है, किस किस में है। यहाँ पर जो डेटा डिपेंडेंसी है मैंने केवल कुछ ही लिखी है,
बट इसमें और भी अदर इसमें मतलब आएगी, जरूरी नहीं मतलब R3 ही डिपेंडेंट है, उसके अलावा बहुत सारे, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन की कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं I1 और I2, है ना। तो ये दिख रहा है आपको I1 और ये दिख रहा है I2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R3 को रीड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी हो गई है, रीड आफ्टर राइट, है ना। रीड आफ्टर राइट किसके बीच में, I1 और I2 के बीच में, कौन से रजिस्टर के वजह से, R3 रजिस्टर के वजह से। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंसी हो। दूसरी डिपेंडेंसी आपको R3 के लिए और कौन सी दिख रही है, इंस्ट्रक्शन I1 और I4। तो इंस्ट्रक्शन I1 और I4 में यहाँ पर I4 क्या कर रहा है, रीड, है ना, I1 के बाद में। तो ये वाली जो डिपेंडेंसी हो गई, ये भी क्या हो गई, रॉ डिपेंडेंसी हो गई। लेकिन हम इस डिपेंडेंसी को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल हम इस डिपेंडेंसी को कंसिडर करेंगे। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ऐसा क्यों किया हमने ने, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो R3 है वो क्या हो रहा है, I3 उसे मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ये डिपेंडेंसी I1 और I4 के बीच में ना हो के अब किसके बीच में हो गई है, ये हो गई है I3 और I4 के बीच। ठीक है, कौन सी, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल हमें ये भी देखना है कि कुछ चीजें मॉडिफाई तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपकी वॉर डिपेंडेंसी, है ना, राइट आफ्टर रीड। तो राइट आफ्टर रीड हम अगेन किसमें, I2 और I1 में देख रहे हैं। तो I2 और I1 में रजिस्टर 2, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर को यहाँ रीड कर रहे हैं और यहाँ पे राइट कर रहे हैं, है ना। राइट आफ्टर रीड, वॉर डिपेंडेंसी किस पे हो रही है, R2 पे। नेक्स्ट I4 और I1, है ना। तो ये I4 है जहां पर हम राइट कर रहे हैं और I1 में क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि ये वाली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद में जो चेंजेस आ रहे हैं वो R2 में, यहाँ पर भी हम रीड कर रहे हैं, यहाँ उसे राइट कर रहे हैं। तो इन बिटवीन इंस्ट्रक्शन से जो उसे मॉडिफाई कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट है आपकी वॉव डिपेंडेंसी, राइट आफ्टर राइट। तो R3 को आपको दिख रहा है I1 और I3 के बीच में, और I2 और I4 के बीच में R2 के लिए, है ना। तो ये दोनों आपकी एक्सिस्ट करती है। और लास्ट है आपकी रीड आफ्टर रीड। तो रीड आफ्टर रीड हमारे पास में I1 और I2 की में किसके लिए है, R1 के लिए है, है ना। और I3 और I4 में भी R1 के लिए डिपेंडेंसी दिख रही है, और किसी में है, है ना। अब यहाँ पर R3 और सॉरी I2 और I4 के बीच में R3 की डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, R3 फर्दर राइट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी इसी तरीके से। तो डिपेंडेंसी हमने चेक करी कि किस तरीके से हमें डिपेंडेंसी मिलती है और किस किस डिपेंडेंसी की वजह से हजार्ड हो सकते हैं। तो इन तीनों की वजह से हजार्ड हो सकते हैं, किस में, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। और केवल इसके वजह से हजार्ड हो सकता है, किसे, इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। अब इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो ओवरकम करने के लिए सबसे इजी तरीका है रजिस्टर रीनेम। तो जहां आपको दिख रहा है क्या कि आपके रजिस्टर्स जो है वो कॉमन हो रहे हैं, उसको क्या कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए, है ना। तो रजिस्टर रीनेमिंग से हम क्या कर सकते हैं, डेटा हजार्ड को ओवरकम कर सकते हैं। और इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारे रजिस्टर का एक्चुअल नाम है उसको चेंज कर देना है। चेंज हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स सफिशियंट होंगे टू चेंज द नेम। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार हमारे पास में पाइपलाइन, अगर हमारे पास प्रोसेस कर रहे हैं हम और हम मल्टीपल डेटा को एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास में क्या हो सकता है, हमारे पास में क्रिएट हो सकती है नो ऑपरेशंस, या फिर बोलना चाहिए ब्लैंक, है ना, बिटवीन द पाइपलाइंस, जहां पर हमारे पास में जो कुछ पाइपलाइन का आउटपुट है वो नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में है हजार्ड, और वो किस वजह से हुआ है, डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से। और डेटा डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है,
और वो सॉल्यूशन क्या है, हम रजिस्टर्स को रिनेम करें।